नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला। आज वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में मैं आपको स्टेज 5 किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्टेज 5 किडनी डिजीज़ हम तब कहते हैं जब किडनी फंक्शन 100% से घटकर 15% से कम रह जाता है। ऐसी स्टेज में खून में जहर की मात्रा बढ़ती है जो कि किडनी नॉर्मली निकालती है और शरीर में पानी भी इकट्ठा हो जाता है। इसी कारण तरह तरह के लक्षण सिम्टम्स आते हैं जिसमें भूख कम लगना, उल्टी होना, कई बार बेहोशी आती है, फिट्स पड़ जाते हैं और हार्ट पे भी असर आता है। ये सब इसलिए आते हैं कि जो खून में जहर चल रहा है वो बाकी हेल्दी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इस अवस्था में केवल 2 ही ट्रीटमेंट कामयाब हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। आमतौर पर जब भी हम डायलिसिस के बारे में बोलते हैं तो पेशेंट घबरा जाते हैं। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट होता है, यानी जब तक आपकी किडनी रिकवर नहीं करती या जब तक आपका दूसरा इंतज़ाम ना हो यानी ट्रांसप्लांट, तो आपकी बॉडी में से जो ज़्यादा जहर है उसको निकाला जाता है, जो ज़्यादा पानी है उसको निकाला जाता है, ताकि जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको हम ठीक रख सकें। किडनी ट्रांसप्लांट में एक बाहर से किडनी लगाई जाती है जो कि आपके फैमिली के किसी डोनर से ली जाती है या फिर एक ब्रेन डेड इंसान से ली जाती है। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बेटर है। जितना साल भर में आप डायलिसिस पे खर्चा करेंगे उतने में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और ट्रांसप्लांट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डायलिसिस से कहीं बेटर है, जबकि 5 साल बाद जबकि डायलिसिस वाले 10 या 20% पेशेंट सर्वाइव करते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट वाले 80% सर्वाइवल है। आपने सोशल मीडिया पे तरह तरह के किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स देखे होंगे। देखिए, ये सब अनटेस्टेड थेरेपीज हैं। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आज तक दुनिया के किसी कोने में आया जो कि स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को पूर्ण रूप से ठीक कर सके। ऐसी स्टेज में या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट पे ही डिपेंड करें, क्योंकि ये एक टाइम टेस्टेड थेरेपीज हैं जिसमें 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है हम लोगों को, और साइंटिफिकली टेस्टेड और वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं हैं। अगर आप वो अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट करें एक एक्सपर्ट के अंडर करें और उसको फॉलो करें। तो जो स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट 2 ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट बेटर है। इसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट में हमारे यहाँ एक सिंगल स्टेज किडनी ट्रांसप्लांट की हमने एक मॉडिफिकेशन करी है। आमतौर पे सर्जरी के टाइम बॉडी में एक स्टेंट छोड़ दिया जाता है जो कि 3 हफ्ते बाद निकाला जाता है, और आमतौर पे फिर 1 हफ्ता और आपको रोकते हैं, तो कुल मिला के 1 महीने का स्टे आपका हॉस्पिटल के आसपास या एक दूसरे शहर में हो जाता है। सिंगल स्टेज किडनी ट्रांसप्लांट में हम जो स्टेंट या तो डालते नहीं हैं या फिर उसको एक स्पेशल टेक्निक के साथ कैथेटर के साथ हुक कर देते हैं जो कि 15वें दिन में निकल आता है, और आपको 15 दिन के बाद अपने शहर जाने की पूरी आज़ादी रहती है। हाँ, दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलनी हैं, उनकी किडनी के टेस्ट रेगुलर होने चाहिए, और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क में रखें। थैंक यू।